रहा है आपको, क्योंकि लोग बार बार जो है यही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने रायबरेली को बनाया है, ये हमारा एक परिवार है। सोनिया गांधी ने एक बड़ी भावुक अपील करी कि मैं रायबरेली के लोगों को अपना बेटा सौंप रही हूँ। प्रियंका गांधी यहाँ पर जो है 6 तारीख से लेके 18 तारीख तक जब तक यहाँ पर प्रचार का समय था तब तक वो यहाँ कैंप करती रहीं और दम भर रही हैं। अमेठी में बराबर की सीट पर भी गई, वहाँ पर जो है KL शर्मा को लड़ाया गया और प्रधानमंत्री ने ये तक कहा कि रायबरेली आना पड़ा क्योंकि सीधे तौर पे जो है अमेठी से भी भागकर राहुल गांधी कहाँ आए हैं। तो कैसे देखती हैं? आई थिंक इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ इलेक्शंस या एंड जो आप बात कर रहे हैं कि प्रियंका जी यहाँ 6 तारीख हैं एंड सोनिया जी ने भी, अदरवाइज तो ये लोग कभी आते नहीं हैं, तो चुनाव है तो बेशक आए हुए हैं जितने भी दिनों से जो भी आप कह रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बस उनके लिए सॉर्ट ऑफ चुनावी प्रक्रिया है कि हाँ आना है जाना है एंड ऑल ऑफ दैट एंड दैट्स दैट, यू नो, लोकल में तो हम ही लोग रहते हैं। मैम एक बड़ी बात ये भी है, आप ओवरऑल चुनाव को कैसे देख रही हैं, ओवरऑल चुनाव उत्तर प्रदेश का कैसे जा रहा है और किस तरीके से जो है NDA का परफॉर्मेंस रहने वाला है? डेफिनेटली देखिए, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट सो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि इतनी सीटें उतनी सीटें, बट द वन थिंग आई कैन टेल यू फॉर श्योर इज बहुत अच्छे मार्जिन से हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुत अच्छे वोटों से सरकार बने, सीटों से सरकार बनेगी एंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3री बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं एंड कंटिन्यूटी इज ऑल्सो समटाइम्स वेरी वेरी गुड, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इज वेरी गुड फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट आर ऑलरेडी ऑन गोइंग फॉर अ फॉरन पॉलिसी फॉर सो मेनी थिंग्स दैट आर ऑलरेडी इन मोशन। So this is something I'm personally also very happy about with the brilliant performance of the NDA and of the Bharatiya Janata Party and I have